आज हम कहाँ पे हैं पता है आपको? आज हम हैं पुराने किले पे। पुराना किला ये दिल्ली में है और ये आपको इधर आइए पहले टिकट लेना। ये टिकट घर है जी। ये किसने बनाया ये पता? किसने बनाया है ये आपको बताता हूँ, राज है, सस्पेंस है। बताइए। हुमायूं। ये भी हुमायूं ने बनाया है। आइए हुमायूं टॉम के लिए भी आइए। डेवल है मेरे साथ दो है। एक्चुअली पांडव थे, कौरव पांडव दो थे। महाभारत पढ़ी हो तो उसको पढ़ लेना वसीम। वैसे तो तुम्हारे इस्लाम में पता नहीं इसको अलाउड करेंगे कि नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। बताइए। तो इस ये जो हुमायूं टॉम है इसको पहले नाम ये बता रहे थे इंद्रप्रस्थ। हो सकता है नया विवाद इसी पे ना हो जाए जैसा आज की डेट में चल रहा है ना इस देश में। तो इंद्रप्रस्थ नगर था, किले की जो प्राचीन इमारत है शेरशाह सूरी ने हुमायूं द्वारा 1553 में स्थापित दीपनाह नामक शहर का ध्वस्त करके, बचपन में फारस से थे वो, लौटने के पश्चात 1556 में हुमायूं यहीं पर रहा। मृत्यु से पहले हुमायूं यहीं पे रहे, जब वापस फारस लौट गए थे फिर आए। तो पुराना किला इसको ये हुमायूं ने बनवाया और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। पीछे एक शनी टेम्पल भी है। तो आप देखिए ये 1500-1600 ईस्वी की बड़ी इमारत है। देखिए इमारत बहुत शानदार है और इधर आप देखिए पानी का एक सरोवर है। ये बड़ा दरवाज़ा है असीम जी। और ये मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये पूरे जो कंपाउंड है ये आपको लेके चल रहे हैं। ये बड़ा दरवाज़ा है, देख रहे हैं बड़ा 30 मीटर ऊंचा है। हाँ तो आप चलिए आपको दिखाते रहेंगे। ये पूरे कंपाउंड को बनाने में अकेले मैं जितना भी पढ़ा है और देखा है हुमायूं का रोल नहीं है अकेले, शेरशाह सूरी और दूसरे लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। सब आते गए और बनवाते गए। हाँ थोड़ा थोड़ा पहले यहाँ बाबर आए थे, बाबर के बेटे थे हुमायूं। बाबर भी यहाँ चाहते थे कि हुमायूं के लिए कुछ हो। अच्छा इसकी हिस्ट्री लास्ट तक रही है, जब इंडिया पाकिस्तान जब दो पार्ट हुए थे जी, तो यहाँ जो रिफ्यूजी आए थे वहाँ से आके उनको भी यहीं पे रखा गया था। मैंने कुछ फिल्मों में भी वो सीन देखे हैं, मैंने देखा और फोटोज भी, ओल्ड फोटोज जो है ना देखिए उनमें भी है वो। बिल्कुल यहाँ देखें आप ये झरोखे और ये सब चीज़ें हैं। तो वसीम जी इसमें जो 3-4 जो दरवाजे हैं इसको मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि तो बहुत बड़ा फैला हुआ है। आपको आगे लेके चलूँगा। यहाँ लाइब्रेरी भी थी, किसकी? शेरशाह सूरी ने अपने नाम से एक लाइब्रेरी बनवाई। मतलब उसको काफ़ी शौक था उस आदमी को, जितना मैं उसको हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ। उसने जीटी रोड को बनवाया शायद शेरशाह सूरी ने। तो उसका यहाँ पे क्या लेन देन है? लेन देन क्या, उसने क्या बनाया ये? ये हमारे तुम्हारे लेन देन वाले लोग थोड़ी, बड़े लोगों से जंग जीती थी भाई, हराया था उसको। अच्छा वायु भाग गया था, बाद में फिर आया था हुमायूं। आपको नहीं पता ये बात? नहीं मुझे हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कमज़ोर हूँ। हाँ तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए इसकी दीवारें देख रहे हैं आप, ये कमरे किस लिए? ये कमरी है, यहाँ सैनिक और वो सब चीज़ें रहती थी, जो लोग छोटे छोटे जो वर्कर्स थे ना। हाँ हाँ वो कहीं तो रहेंगे उनके लिए। अब किले में ही रखना है क्योंकि किले के बाहर अगर कई बार क्या होता है कि हमला हो गया तो वो बाहर यहीं से देखिए ऊपर चढ़ के गोलियाँ चलानी 10 चीज़ें, वो ऐसी होती थी। ये दूसरा दरवाज़ा है देख रहे हैं वो बड़ा दरवाज़ा। हाँ ये इधर ये साइड में दरवाज़ा, ये धीरे धीरे ये टूटा है यहाँ से। हाँ टूटे देखिए, वो तो जब तोपें चली थी आपको पता नहीं है कितनी बार जंग हुई है, तो ऊपर तोपों से रखते थे टूटे भी हैं वहाँ। और ये देखिए ये दूसरा, देखिए इस इमारत को कितनी ऊंची बनाई, ऊपर से एक बार जाके बनाना है। अच्छा यहाँ तक जो है ये दरवाजे, दो दरवाजे दिख रहे हैं आपको, एक नीचे दरवाजा एक ऊपर। तो नीचे जो दरवाजा था यहाँ तक पानी आ जाया करता था आपको पता है? अच्छा हाँ जी, इसलिए दो दरवाजे हैं। 20 फीट का दरवाजा है ये नीचे वाला,
तो दो दरवाजे दिख रहे हैं आपको, इसको समझिए आप पूरी हिस्ट्री को, आइए बहुत बड़ा दरवाजा है। हाँ दो दरवाजे हैं, वो एक के ऊपर एक है भाई, दो मंजिला होगी और उसके ऊपर देखिए आप तीसरी मंजिल देखिए असीम जी, वहाँ पहुँचना अलाउड नहीं है, देखिए ऊपर तीसरी मंजिल उसकी अभी तक देखिए उसके अभी भी कितना सुंदर बने हुए हैं, दिख रहा है आपको, ये छोटा कैमरा है हमारा, शायद वहाँ जा नहीं सक पाए, नहीं अलाउड नहीं है एक्चुअली, इसको लवा पॉइंट बना के इसको इसको भी बर्बाद किया जा रहा है, मैं ये जो देख रहा हूँ बेसिकली पता नहीं क्या हो गया है दिल्ली कल्चर को, तो बिल्कुल ही समझ से परे है मेरी, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं भाई, आप जाओ ओयो है 10 चीज़ें हैं और आप नहीं कर सकते, तो यहाँ आके आप फैमिलीज आती हैं 10 चीज़ें आती हैं, आप उस माहौल को ख़राब कर रहे हो, और मुझे लगता है यहाँ के जो स्टाफ है वो भी सब ऐसा ही है, यहाँ बेसिकली सब पैसे के चक्कर में सब क्या कहें, अब दलाल तो कह नहीं सकते, वसीम सिंगल आया देखो, वसीम सिंगल ही रहेगा भगवान करे, और अगर वसीम के हो गया तो मैं इनका साथ छोड़ दूंगा फिर, वसीम के भी करम ऐसे ही, मैं ही मजबूरी में झेल रहा हूँ इसको, देखिए नहीं अगर मैं डबल हो गया तो ध्यान का उचित रख रखाव सफाई जन सहयोग बिल्कुल है, लेकिन हम भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कहेंगे कि आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए बिल्डिंगों पर, आप वहाँ एसी में बैठ के सिर्फ पैसे ना खाइए इनके नाम पे। अच्छा ये दूध पिलाने के लिए मतलब अगर माँ चाहे तो यहाँ बैठ के आराम से शिशु के को अपने स्तनपान करा सकती है, हिंदी में देख रहे हैं कितना अच्छा है मेरा स्तनपान, वसीम हम इधर से चलेंगे, इन पेड़ों के सहारे में चलना चाह रहा हूँ, देखिए कितनी अच्छी कतार, वो मतलब एक तरीके से देखिए पूरे कतार से पेड़ों को लगाया, ये वीडियो मैं खुद इसलिए वीडियो को ग्राफी करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं देख चुका हूँ वसीम इस मामले में फेल हो चुका है, शायद वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, कोई टेंशन लेके बैठा है, अब उसका वीडियोज़ बनाने में ध्यान नहीं रहा है, अब मुझे खुद सारी जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ रही है, देखिए 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 आप जगह जगह लव बर्ड्स मिल जाएंगे, इन्हें बर्ड्स भी कहना ठीक नहीं है, वो भी बर्ड्स को उनके नाक को ख़राब करना है बेसिकली, अच्छा इतना बड़ा ग्रीन एरिया अब आप क्या बोलेंगे, मुझे लगता है पेरेंट्स भेजते हैं पढ़ने के लिए, मगर ये लोग यहाँ कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं और इस जगह के उसको भी ख़राब कर रहे हैं, देखिए देखिए कितना शानदार किला है, अब मैं अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये सब चीज़ें देख के आप खुद भी परेशान हो गए होंगे, ये देखिए जिस तरह से ये मीनारें बनाई गई हैं इसके साथ में, कुतुब मीनार को देखिए याद कीजिए थोड़ा, इनका जो स्ट्रक्चर है आप इन बिल्डिंग्स का आप देखेंगे मुग़ल जो इम्पीरियर्स थे औरों से इसका बिल्कुल अलग है, मैं इसको थोड़ा दूर से दिखाना चाहूँगा, ये बिल्कुल देखिए मुग़ल जो और बिल्डिंग्स हैं उनसे अलग है, और इसमें मीनार्स आपको साथ में दिख रहे होंगे, और ये जो आप ऊपर जो विंडो देख रहे हैं ये जो विंडोज़ है इस ये सिर्फ ये राजा और ये लोग इसको इस्तेमाल करते थे, झरोका इनको बोलते थे, गाना सुना होगा अखियों के झरोके से तुझे देखा जो सामने, हाँ राजाओं को और सैनिकों को सबको और आसपास के उसको बिल्कुल, ये देखिए बहुत मजबूत लकड़ी के दरवाजे होते थे, वसीम में तो नहीं देखे होंगे, नहीं ये तुमने कल ही बनवाए हैं भाई वसीम, क्या चीज़ें होती थी बहुत मजबूत तरीके से इनको, अच्छा पहले जो होता था ये देखिए इसमें इस तरह का होता था लॉक करने का सिस्टम, आजकल जो मॉडर्न चीज़ें बदल चुकी है, अच्छा इसकी नक्काशी देखिए अभी तो बहुत सुंदर बनी हुई है, ये देखिए ये तो मैंने दिखाया है इनको झरोके में, बट लोग काफ़ी आए हुए हैं सुबह ही आ जाते हैं, ये देखिए इस जगह को फिर से मैं कूदता हूँ, ये मस्जिद है जो, हाँ जी ये उसी टाइम की बनी हुई मस्जिद है, ये बनी थी 1541 में, और यहाँ पे ये छोटा सा कुआं भी है जो आप देख रहे हो, और ये मेरे ख्याल से वजू खान आया जहाँ पे लोग वजू बनाया करते हैं, है ही ये आप जो क्या कह रहे हैं वही है, ये वजू खाना ही है, सर आपने देखा अभी वो था तालाब था, तालाब किला खाना मस्जिद। और ये है दिल्ली के सड़कें, अच्छा नीचे मकबरा भी है, नीचे उधर जाने का भी रास्ता, लोगों को देखो कैसे फोटो खींच रहे हैं वहाँ, खतरे से खेल के अपनी जान पे, इसीलिए ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है, देख रहे हो जो ASI देख रही है जिसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है,
ये कूड़ा तो देख लो आप कि यहाँ पे कूड़ा पूरा फैला जा रहा है बहुत तरीके से। रोड पे बाहर गेट पे बोला जा रहा है कि अंदर कुछ नहीं बेचना है और ये यहाँ पे बैठ के बेच रहा है। देखो ये कितना, ये बिल्कुल ये लास्ट स्टैंड है, समझ रहे हैं। शेरशाह मंडप जो है ये बनाया था और इसको मनोरंजन के लिए शेरशाह सूरी इस्तेमाल करते थे, लेकिन बड़ी चीज़ वसीम, जो हुमायूं था उन्होंने इसको अपनी लाइब्रेरी बनाया, यहीं पे किताबें पढ़ते थे और ऐसा कहा जाता है कि लास्ट में जब उनका अंतिम जो टाइम था वो यहीं पे उनकी मौत हुई, यहीं से गिर के। अच्छा हाँ जी, इसलिए ये बहुत गिर के मौत हुई थी, यहीं से गिर के और उनकी मौत हो गई थी। हुमायूं के लिए लिखी लाइब्रेरी भी यही थी, हुमायूं बहुत पढ़ने के बहुत शौकीन थे। आइए, आपने फिल्मों में हमाम बहुत सुनेंगे आप, हमाम साबुन भी इस्तेमाल किया होगा। हाँ, लेकिन आप असलियत में हमाम कैसे होते हैं आज देखोगे। ये ओल्ड जो हमाम थे ना, ये देखो इसके पाइपें हैं, ये जो पानी वेस्ट आता था ना सर, ये वो है हमाम। ये है यहाँ, ये बैठने का होगा, ये बैठने का है और ये है यहाँ भी नहाने का, ये सर। अच्छा, ये पानी भरा हुआ होता होगा और यहाँ से लोग नीचे वो करते रहेंगे, जैसे स्वाइप मार देते हैं। पानी ये भी ना, पानी पूरा भरा रहता होगा इस पास। ये नहाते थे मतलब, यहाँ सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप? हाँ, लेके चलते हैं नीचे, लेके चलते हैं आपको। आइए आप भी, आइए आप आइए, मुझे डर लग रहा है ना। आप डर नहीं, मेरा नाम ले लीजिएगा नीचे, आपको मेरे नाम से पूछने डर लगेगा। छिपकली है इधर, ये किस तरीके का नहाने का सिस्टम है। देखिए दिल्ली जो है, बताते हैं इतिहास में सात बार उजड़ी है, सात बार बसी है, आपको पता है। एक इसका नाम इंद्रप्रस्थ था और यहाँ जो अलग अलग शंख कुषाण गुप्त काल की जो और चीज़ें, राजपूत काल और सल्तनत, ये मुगल सल्तनत, ये सारी चीज़ों को लिए यहाँ पे काम चल रहा है, खुदाई चल रही है। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे पांडव और ये सब भी आए थे, क्योंकि इंद्रप्रस्थ यू नो जी जी उनके टाइम पे दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था और इंद्रप्रस्थ को बताया किसने था, पांडवों ने। आइए अब आगे चलते हैं, खुदाई चल ही रही है। ये देखिए, ये भी एक दरवाज़ा है और ऊपर देखिए, दरवाजे में ऊपर जो दो, वो ऊपर एक्चुअली सैनिकों के बैठने और उन्हें दूर से देखने के लिए होती थी वो जगह, देख रहे हैं आप वसीम जी। देखिए ये जो मैं पहले भी आपको बता रहा था, नीचे का जो हिस्सा यहाँ पानी तक आता था, इसलिए दो दरवाजे बनाए गए, क्योंकि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति रहती थी, जमुना यहीं बिल्कुल साथ में है, पता है ना आपको। तो ये हुमायूं दरवाज़ा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, हिस्टोरियन जो है जिन्होंने इस पर खोज की है, वो कह रहे हैं ये लेकिन बनवाया शेरशाह सूरी ने था इस दरवाजे को। हाँ जी, लेकिन इसका नाम अब भी हम लोग हुमायूं गेट से जानते हैं। अगर कुछ चादर और चीजें देखना चाहो तो बोल दो ना। यहाँ बहुत सुंदर तालाब है और यहाँ जो है पहले तो भाई बोटिंग नहीं होती ना अब यहाँ पे, पहले बोटिंग होती थी बहुत पहले बचपन में, लेकिन अभी नहीं। बहुत सुंदर जगह है और मेरे को लगता है वाटर हार्वेस्टिंग का ये तो दिल्ली में सबसे हौसकास के बाद दूसरी बड़ी जगह है।